स्टेट में एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, जिसमें जो सेकंड जज जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं और होम सेक्रेटरी होते हैं, साथ में एडजुटेटर होते हैं। इसमें ये निर्णय लिया जाना है कि जो कोविड के और महामारी जो फैली हुई है उसके अंतर्गत जेल में हम लोग कैसे व्यवस्था कर सकें, ताकि हम लोग एटलीस्ट किसी भी टाइप के कम्युनिकेशन को, डिजीज़ को स्प्रेड होने से बचा सके। तो इसी तरह के आज की जो मीटिंग ली गई थी, मीटिंग में ये निर्णय लिया गया कि कितने कैपेसिटी है जेल में और कितने लोग मतलब को शिफ्ट किया जाता है। तो उसके आधार पर टोटल जो कैपेसिटी वाली जेल में अभी है 16,114 लोगों की है, और जो हमारे पास इनमेट्स हैं टोटल अभी 18,442 हैं। इसमें से कुछ जेल में नंबर ऑफ कैदी ज़्यादा है, कुछ जेल में नंबर ऑफ कैदी कम है। इसके आधार पर निर्णय लिया गया है कि जो जहाँ ज़्यादा है उनकी कस्टडी को चेंज ना करते हुए उनको जेल शिफ्ट किया जाना, और जो कस्टडी है पैरेंट कोर्ट पर कस्टडी रहेगी, बनी रहेगी, उसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी झारखंड के को रिकॉग्नाइज किया गया था कि झारखंड ने इस मैटर को लेकर काफ़ी काम भी किए थे। सेकेंड बात ये चर्चा हुई कि 7 ईयर्स से कम जितने भी और कैदी हैं, जितने भी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं या फिर प्रिजनर्स हैं जिनका कोई सीरियस ऑफेंस में, फॉर एग्जांपल कि कोई ऐसा ऑफेंस में क्रिमिनल ऑफेंस कोई या फिर हीनियस क्राइम क्रिमिनल ऑफेंस या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस का नाम नहीं है, उन लोगों को छोड़ा तो एंट्री बिल पर कोर्ट जो रिस्पेक्टिव कोर्ट है परमिशन दे सकती है। इस बाबत जो हमारे मेंबर सेक्रेटरी झालसा है उनको लीगल एक प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वहाँ से उनको रिलीफ मिल सके, क्योंकि अभी बेलर का भी मूवमेंट और लोगों का जो मूवमेंट है, आत्म का मूवमेंट, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो पर्सनल बॉन्ड पे भी जज अपने हिसाब से, जो कंसर्न कोर्ट है अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। एक और चर्चा हुई कि साथ में जो भी एक्टिविटीज ली जा रही जेल के अंदर, मास्क बनाने की या पीपीई बनाने की या फिर जो आइसोलेशन वार्ड बनाना है या क्वारंटाइन वार्ड बनाना है, उसकी भी सुरक्षा की गई, क्या सब चीज़ें ऑन प्लेस है और चीज़ें सही से चल रही है। तो उस पर जो कमेटी है संतुष्टि भी दिखाई है और सहमति भी दिखाई कि अच्छे काम हो रहे हैं, उसको मेंटेन किया जाए। इन पर्सन किसी के नाम पर डिसीजन नहीं हुआ है, जो कंसर्न कोर्ट है वही कोर्ट डिसाइड करेगी किसी को अंतिम बिल देना है। क्या मतलब क्या कोई इकोनॉमिक ऑफेंस के लोगों को नहीं छोड़ना है फिर? और ये कोर्ट कंसर्न कोर्ट ही डिसाइड करेगी। चर्चा हुई उनके नाम पर? नहीं, किसी के पर्सनल नाम पर चर्चा हुई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।